अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। आज मैं आपके साथ हरियाली चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। हरियाली चिकन के लिए चाहिए आधा किलो चिकन चाहिए और 6-7 स्प्रिंग ऑनियंस चाहिए और 6-7 हरी मिर्ची चाहिए, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और 100 ग्राम दही चाहिए। 1 से 1.5 चम्मच में नमक ली हूँ, टीस्पून आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए, और 1-2 चुटकी बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी ली हूँ, और 1.5 टीस्पून में अदरक लहसुन ली हूँ, और बघार के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची है और कड़ी पत्ता करिया पाक यानी, और तेल हसबे ज़रूरत। अब मैं स्प्रिंग ऑनियंस, दही और पुदीना, हरी मिर्ची और कोथमीर को ग्राइंडर में पीस लूँगी। देखिए मैं इसको इस तरह पूरी चीज़ों को पीस के रेडी कर ली। अब इसमें हम चिकन डालेंगे कुकर में, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं कुकर, मुझे आसान लगता है इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। ये नमक और हरी मिर्ची भी मैं डाल दूंगी, और अदरक लहसुन मैं आधा डालूंगी, आधा रोक लूंगी, मैं बघार में यूज़ करूंगी फिर उसको। मैं गैस का फ्लेम बढ़ा दी, मैं हाई फ्लेम पे इसको रखी हुई हूँ। मैं अपने इसको अच्छे से मिक्स करके, और बिल्कुल मैं इसको 1-2 सीटियाँ जब आएंगे तो मैं इसको बंद, कुकर चूल्हा बंद कर दूंगी, समझिए आप 1-3 से 4 मिनट बस। ये अब मैं कुकर को खोल दूंगी, और ये देखिए इसमें पानी छूट गया है, ये देखिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा छूट गया दही और चिकन का, तो ये पानी बिल्कुल सुखा देना है, खुश्क होना है बिल्कुल। इसको आप थोड़ी देर से ऐसा चलाते रहिए। ये देखिए इसको इस तरह से अच्छा सुखा लेना चाहिए पानी को। ये देखिए बस बिल्कुल थोड़ा सा है, अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूंगी और कढ़ाई रखूंगी। ये कढ़ाई मैं चूल्हे पे रख दी, और मैं सालन के चमचे से 1-2 या 3 चम्मच मैं इसमें तेल डालूंगी। ये देखिए तेल गरम हो गया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दूंगी, और इसमें मैं ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची भी डालूंगी। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं अब ये लाल मिर्ची डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत जल्दी काली हो जाती थी। शिफ्ट करूंगी इसको, आप अच्छे से भूनिए इसमें, खुशबू बहुत शानदार आ रही है। तो ये देखिए मैं इसको 1 मिनट से भून रही हूँ, और इसमें मैं अब काली मिर्ची डालूंगी। अगर आप लोगों चाहिए, आपको चाहिए तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैं इसमें सिर्फ काली मिर्ची डाली हूँ। बस 1.5 मिनट तक इसको इस तरह से भूनती रहूंगी मैं, इसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए अब ये रेडी टू सर्व है, ये अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी गैस। चलिए ये हरियाली चिकन तैयार है, और आप लोग खाइए, बनाइए, एंजॉय करिए। और लॉकडाउन चल रहा है, होटल सारे बंद है, तो हम लोग ही घर में अच्छे से रेसिपीज बनाना है और इंजॉय करना है, और काफ़ी दुआएं करना है कि अल्लाह ताला ये वबा को दुनिया से दूर कर दे और सारे आलम की हिफाजत फरमा। तो मेरे लिए आप लोग ख़ास दुआ कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।